मैंने तो बच्चे देखो सिलेबस तो आगे आगे कंप्लीट करवा ही जाना है ना। अब आपकी स्पीड है कि आप कितनी जल्दी से इसको कैच करते हो और कितनी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हो, है कि नहीं? ठीक है, चलो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो योर स्केलेटन पार्ट दैट हैज बिन डिडक्टेड। ठीक है, सो वी आर ओनली लेफ्ट विद द मसल्स पार्ट, वी आर नॉट टू डू द स्केलेटन सिस्टम। सो स्केलेटल जहां पे शुरू होता है वो सारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, जहां से शुरू होगा स्केलेटल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फेशियल बोन्स। ठीक है, जो आपकी फेस वाली बोन्स है वहां से स्टार्ट होता है, तो वहां से आगे वाला टॉपिक नहीं है। लेकिन लास्ट में एक डिसऑर्डर्स आएंगे जो कॉमन है लोकोमोशन मूवमेंट में, दोनों में इकट्ठे समझा दिए उन्होंने, पूरा चैप्टर के समझाए ना इकट्ठे, तो वो उसमें से सिर्फ वो वाले जो मसल्स के साथ रिलेटेड है हम वो वाले करेंगे। ठीक है, बोन्स वाले नहीं करने हमें उसमें से, समझ गए? मतलब बोन्स एंड बोन्स के रिलेटेड सब कुछ जो है वो डिलीट हो गया। ठीक है, सो वी आर हेयर ओनली कंसर्न्ड विद द मसल्स पोर्शन फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ डिस्कसिंग द मसल्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द चैप्टर ऑफ एनिमल टिश्यूज। मसल्स दे आर द पार्ट ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, दैट विच हेल्प्स इन द मूवमेंट्स, दैट इज प्रोवाइडिंग द मूवमेंट, प्रोवाइडिंग द स्ट्रेचिंग और द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट टाइप्स, एंड हेंस वी कैन विद द हेल्प ऑफ द मसल्स वी कैन प्रोवाइड द वॉलंटरी और द इनवॉलंटरी मोशंस, है ना? हम लोग चेंजेस जो है वो शो कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कितनी टाइप्स की मसल्स पड़ी हमने? थ्री टाइप्स। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ द मसल्स? फर्स्ट वन आर द स्ट्राइएटेड मसल्स, अदर नेम फॉर स्ट्राइएटेड इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स ये सारी चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो वी वॉन्ट बी वेस्टिंग अवर टाइम इन दिस। स्ट्राइटेड एंड द स्केलेटल मसल्स आर दोस विच आर हैविंग द वॉलंटरी एक्शन, दैट विच प्रोवाइड्स अ वॉलंटरी एक्शन, एंड ऑल्सो दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर जॉइंट टू द बोन्स एंड दे आर हैविंग द स्ट्राइएशंस, दैट इज डार्क एंड द लाइट बैंड्स। ये हमने पहले पढ़ा। ठीक है, सेकेंड आर अनस्ट्राइटेड। वॉट इज अदर नेम फॉर अनस्ट्राइटेड? स्मूथ मसल्स without striations, unstriated, right? And these also give the smoother appearance. So that is, these are called as a smooth muscle tissues. What are the third kind of the tissues? Sorry, muscle tissue. Cardiac. Cardiac is the one that which provides the involuntary movement as that for the unstriated. But this is specially for the heart. Okay, specially providing the कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और द वर्किंग ऑफ द हार्ट, दैट इज अ कार्डियक मसल। डन, राइट? द सेम यू विल बी रीडिंग इट फ्रॉम दिस चैप्टर। जितना इंट्रोडक्शन दिया है, हार्डली 3 to 4 लाइंस ऑफ ईच टाइप ऑफ द मसल दे हैव एक्सप्लेन्ड, एंड अगेन यू विल बी रीडिंग और कवरिंग दिस फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज टर्म वन एनिमल टिश्यू, और वहां से आप पूरा मसल्स दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो भी आप ही की बुक का कंसेप्ट है, नो डाउट ये टर्म वन टर्म टू हो चुका है, बट स्टिल दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ योर बुक ओनली। सो यू विल बी कवरिंग दिस टॉपिक फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एज वेल एज फ्रॉम दिस चैप्टर। डन, ठीक है, क्लियर? कमिंग टू द मसल्स, दैट इज टाइप ऑफ द स्ट्राइएटेड मसल्स। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्राइएटेड मसल? हाउ द लाइट एंड द डार्क बैंड्स दे आर अरेंज्ड? तो इसके ऊपर हमने अब ये पढ़ना है आगे फर्दर। द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल, structure of muscles, any muscle we comprise, we say the any muscle structure, if we start to study the structure of any muscle, they comprises of the muscle bands, bands hote hain, aisa nahi hai ki matlab puri ki puri ek hi muscle hai jo puri body mein hai, aisa nahi, they have particular bands at places jahan jahan pe provided hai wahan pe they are comprises of the muscular bands, theek hai? So one muscular band is further made up of a number of muscle bundles. ठीक है, muscle band जैसे ये है, let's say, so make it a big one, okay? This is let's say the muscular band. This is a band, okay? One part of the whole muscle in our body. This is one band, okay? Just make it a bigger one, and यहाँ पे इस area को भी हम broad बनाएंगे ताकि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ठीक है,
ईच मसल बंडल, सॉरी ईच मस्कुलर बैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंप्राइजेस ऑफ द नंबर ऑफ मस्कुलर बंडल्स, बंडल्स ऑल्सो कॉल्ड एज फेसिकल्स. मसल बंडल्स ऑल्सो कॉल्ड एज फेसिकल्स. डन. फॉर एनी मसल टू बी स्टडीड सबसे पहले ये बैंड, और हर बैंड किस चीज का बना हुआ है, अ नंबर ऑफ मसल बंडल्स. सो दीज आर द मसल बंडल्स. ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ बंडल्स दैट कंप्राइजेस वन. Muscle band like this. Okay. These are the muscle bundles. Getting right. Now the muscle bundles, they are also further formed of the smaller subunits called as the muscle fibers. So these are the fibers that are present within the मसल बंडल. ठीक है, जितने बन पाते हैं फाइबर्स उतने बनाना. सो बंडल दैट कंप्राइजेस ऑफ अदर मसल फाइबर्स. डन. इफ वी पुल आउट वन ऑफ द मसल फाइबर इट सीम्स आउट टू बी, ये कुछ इस तरह से नजर आएगा अगर हम इसको पुल करते हैं बाहर की तरफ, एंड इट कम्स आउट टू बी और इट सीम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, दिस इज अ मसल फाइबर. Done. That after pulling, it comes out like this. Each muscle fiber that also have the connection with the blood vessels, that is arteries as well as veins. So this is the muscle bundle, each comprising of numerous of muscle fibers. Getting? Now further, as I told, every muscle fiber has a connection of the blood vessel. So blood vessel that is present with the connection of each of the muscle fiber like this. These are having the connection of each muscle fiber. So this is the blood vessel. Getting? Label karo pehle itna. This is the muscle band. Muscle. Band, then is a muscle bundle. Clear? Muscle bundle having the numerous of the muscle fibers. So these are the muscle fibers. Each of the muscle fiber having the connection with the blood vessel as well. So this is a blood vessel. द ब्लड वेसल्स, बोथ द ब्लड वेसल्स. समझ आ रहा है? हैव यू ड्रॉन टिल दिस? हाँ जी, कंप्लीट दिस, कंप्लीट दिस फटाफट. नाउ कंसिडरिंग ईच ऑफ द मसल फाइबर, it has the outer membrane which is called as the sarcolemma. The outer membrane is called as sarcolemma. main ye thoda sa remove kar rahi hu iska structure kyunki labeling karni hai. theek hai, so this is sarcolemma, the outer membrane of the muscle fiber. muscle fiber ki jo covering hai that is called as a sarcolemma. सार्को टर्म इज स्पेशली यूज फॉर द मसल्स. ओके, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट विद इन द फाइबर दैट कंप्राइजेज ऑफ सार्कोप्लाज्म. जैसे सेल का होता है साइटोप्लाज्म, ऐसे ही मसल सेल का यानी मसल फाइबर का अंदर होता है सार्कोप्लाज्म. यहां तक समझ आ गया? डन है. Now
हाँ जी, आर यू ऑल डन विद दिस? दोज हु आर स्टिल ड्रॉइंग, बी फास्ट, बी क्विक. नेक्स्ट इज, अगर आप ये इसको एक मसल फाइबर को इमेजिन करो, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ऐसे पड़े होंगे ना, कितने सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए अगर मैं इनको सबको बनाऊं तो. ऐसे ऐसे ये पैरेलल क्या है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, है ना, सबके पीछे पीछे ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आती. तो ये क्या है, पैरेलली अरेंज्ड जो बंडल्स हैं ये फाइबर्स को जो बना रही है, दे आर ऑल कॉल्ड एज द मायोफिब्रिल्स. ठीक है, द पैरेलली अरेंज्ड ये जो बंडल्स हैं ये सारे के सारे बीच में अरेंज हैं, प्लस उनके अंदर जो फाइबर्स हैं, तो फाइबर्स की जो सार्कोलेमा है वो भी पैरेलली अरेंज हो गई. ठीक है, सो ऑल दीज पैरेलली अरेंज्ड लाइंस दे आर कॉल्ड एज द मायोफिब्रिल्स. मायोफिब्रिल्स, गेटिंग डन? दीज आर कॉल्ड एज अ स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स, बिकॉज अगर हम इन मायोफिब्रिल्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये मायोफिब्रिल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर ही यहाँ पे लाइट एंड द डार्क बैंड जो है वो हमें नजर आते हैं. ऐसे मायोफिब्रिल्स में ही स्ट्राइएशंस थी. और आप जस्ट इमेजिन करो, पहले इधर देखो बोर्ड की तरफ सब लोग. हाँ जी, लुक ऑन टू द स्क्रीन हियर. सो दिस इज बेसिकली, अगर जस्ट इमेजिन करो, दिस इज नॉट दिस बिग बंडल. पहली चीज है ना, हमारी बॉडी के अंदर कितने छोटे छोटे ये होंगे साइजेस में. ठीक है, अब ये इतने छोटे हैं, कंप्रेस्ड हैं, और उसमें न्यूमरस फाइबर्स हैं, और वो सारे फाइबर्स के ये जो फिब्रिल्स हैं वो ऐसे पैरेलली अरेंज्ड हैं. ठीक है, वेरी क्लोज टू वन अनदर, न्यूमरस ऑफ दीज, एंड ऑल आर शोइंग द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन, दैट विच प्रोवाइड्स दिस डार्क एंड द लाइट बैंड. ठीक है, ये मायोफिब्रिल्स की स्टडीज जब भी करी गई थी कि ये किस चीज की बनी है, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो पैरेलली अरेंज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रीजन थे. वो डिफरेंट रीजन क्या थे, दैट इज लाइट एंड द डार्क बैंड. ठीक है, जिसकी वजह से आप जो पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते थे, यू रिमेम्बर हमने फर्स्ट चैप्टर में भी जब भी बनाया था, तो वी यूज टू मेक इट लाइक दिस, है ना, ऐसे. वो क्यों, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस इतनी पास पास हैं कि वो डार्कर रीजन्स इकट्ठे हो जाएंगे अगर, या लाइटर रीजन्स कहीं पे आ गए, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क, तो उनकी वजह से हमें ऐसा एक्सप्रेशन जो है वो नजर आता. डन? एक्चुअली वॉट इज दिस, दैट इज वेयर आर ऑल दीज प्रेजेंट. That is, कहाँ पे हैं ये सारी चीजें जो हमने बोली है, लाइट और डार्क, स्ट्राइएशंस, ये सारी चीजें हैं क्या है, दीज आर द मायोफिब्रिल्स. द मायोफिब्रिल्स देमसेल्व्स दे कंप्राइजेस ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, दैट विच प्रोवाइड्स द लाइट एंड द डार्क बैंड्स. ठीक है, लाइट बैंड्स एंड द डार्क बैंड्स, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इतना स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? हाँ जी, किसी को नहीं क्लियर हुआ? क्लियर टू ऑल? अब अगर आपको स्ट्रक्चर समझाने को आता है, अभी दो तीन और चीजें बतानी है, स्ट्रक्चर समझाने को आता है, अब आपका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? यू विल बी डिस्क्राइबिंग इट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन, देन लीडिंग टू द फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट, है ना. दिस इज नो वे इज द स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन व्हेन यू जस्ट ड्रॉ दिस एंड जस्ट राइट दिस मच, व्हाट इज दिस ऑल्सो. अदरवाइज आप देखो, अभी अगर आप मेरी एक्सप्लेनेशन साथ में नहीं जोड़ते, आपको ये तीन चीजें क्या समझा रहे हैं, क्या समझाने? मैंने तो सिर्फ यहाँ पे हाइलाइट्स लिखने हैं ना बच्चे, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि मस्कुलर बंडल कंप्राइजेस ऑफ द मसल बंडल्स, सॉरी बैंड कंप्राइजेस ऑफ बंडल्स एंड दे फर्दर कंप्राइजेस ऑफ फाइबर्स, कंप्राइज वर्ड, ये चीजें मैं नहीं लिख रही, समझ रहे मेरी बात. यही चीज आपको टेस्ट में यूज करनी है. जब मैं इसको बोलना शुरू करती हूँ ना, जो मैं बोल रही हूँ, लेट से जो आप समझ रहे हो, लेट से जो आप ग्रास्प कर रहे हो, वो सारा कुछ एक कनेक्टेड वे में आपका एक्सप्लेनेशन बनाकर, दिस इज नो वे अ कंप्लीट आंसर. डन? ठीक है, ओके. कमिंग टू द इनसाइड ऑफ ईच ऑफ द मसल फाइबर, एज दिस कंप्राइजेस ऑफ द सार्कोलेमा एज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द फ्लूइड विच इज द सार्कोप्लाज्म. आपको इन दोनों टर्म्स से एक सेल की स्ट्रक्चर याद आई होगी. एक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लाज्मा लेमा एज द आउटर कवरिंग और बीच में फ्लूइड एज द साइटोप्लाज्म, यही होता है सेल का स्ट्रक्चर. Along with it, it also has the numerous of the organelles as well as the nucleus, है ना. तो यहाँ पे special क्या है, muscle cells के बारे में special क्या है, that is they also have the nuclei but they are in numbers, that is number of nuclei are immersed in this. Why? क्योंकि ये एक fiber है. Fiber means elongated, ये एक single cell नहीं है,
ठीक है, कितने सारे सेल्स उसके बीच में अपनी मेम्ब्रेन्स को डिजोल्व करके इकट्ठे हो जाते हैं, सो दैट क्रिएट्स अ पूल ऑफ द न्यूक्लियस, ये पूल बन जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस बहुत सारे इस फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, समझ आ गया, यूजुअली वन सेल हैज वन न्यूक्लियस, बट हियर इट इज अ पूल ऑफ न्यूक्लियाई, वी कॉल दैट एज दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिंसाइशियम, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस न्यूक्लियाई कॉल्ड एज, इट इज सिंसाइशियम having numerous nuclei floating in the common cytoplasm. Number of nuclei floating in the common cytoplasm and the condition is called as syncytium. The term given to this situation is called as syncytium. So we say the myofibrils or the muscle fiber, they are syncytium or they show syncytium condition. Okay? That is, they have the numerous of the nuclei floating in the same plasma. Then, along with this, they also have one special feature that is of their ER, yani sarcoplasmic reticulum. हम इसको बोलते हैं sarcoplasmic reticulum. What do we call them? ER तो endoplasmic reticulum तो है ही, वो तो हमें पता है. But these ERs, that which are specially arranged in the muscle cells, they are called as the sarcoplasmic reticulum. The sarcoplasmic reticulum, these are also the rich sources of the diacationic ions like calcium ions. They also act as the hub of, hub kya hota hai? What is a hub? H-U-B. That is a place where a number of things are found. है ना, कोई भी चीज जिसकी भी बात कर रहे हैं हम, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट्स में प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलते हैं हब, है ना. सो द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज द हब ऑफ कैल्शियम आयंस. व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन दिस, बिकॉज दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये फर्दर टॉपिक्स में आप पढ़ेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और व्हाट इज द रोल ऑफ द कैल्शियम आयंस और हाउ द फर्दर प्रोसेसेस जो आपको समझाएंगे दे आर इनिशिएटेड. So, ये तीन क्वेश्चंस एक ही टॉपिक के बनते हैं जो आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगी. गेटिंग, समझ आया? ईआर जैसे सेल्स के अंदर नहीं होता ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ही इसके मसल फाइबर्स के अंदर भी ईआर है, लेकिन वो ईआर खुद में एक सोर्स है ऑफ द कैल्शियम आयंस. इट हैज द न्यूमरस, यू कैन से द कैल्शियम आयंस विच आर स्टोर्ड इन इट, दे विल बी यूटिलाइज फर्दर फॉर द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल. जो इसका सिग्नल प्रोड्यूज होना है ना, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, जनरेशन ऑफ द जो इम्पल्स है, इम्पल्स फॉर द कंट्रैक्शन, एक्शन पोटेंशियल जो हम कहते हैं, तो वो वहां पे कैल्शियम आयन करेगा. गेटिंग डन? ठीक है, अब एक और चीज है यहाँ पे. हमने बोला कि मायोफिब्रिल्स दे कंप्राइजेस ऑफ दीज यूनिट्स दैट आर द डार्क एंड द लाइट बैंड. एक्चुअली द डार्क एंड द लाइट बैंड दे आर बिकॉज ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स टूगेदर. दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. The two types of the proteins, they make the framework of the muscles. Framework, जैसे हमारी body का framework कौन है? Skeletal system, है ना? ऐसे muscles का framework, मतलब उसका main composition, एक main ढांचा जो है वो बनाया है दो तरह की contractile proteins ने, जिनका नाम है actin and myosin. Now the presence of, alternate presence of the actin and myosin, that actually provides us striations. Striations provide karti hain. And the functional, you can say, region. The region which becomes functional for the contraction and relaxation. Functional matlab, pura ka pura myofibril, dekho, contraction mein involve nahi hoga. Theek hai? Kuch region hai jo muscle contraction karega, toh usse baki ka aaspaas jo areas hai, वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे. ऐसे ही होगा ना, जैसे पूरा फाइबर है, अगर इतना फाइबर है तो उसमें इतना रीजन है जिसमें कंट्रैक्शन हुआ, अगर ये कंट्रैक्ट हुआ तो इधर वाला भी पुल हो जाएगा, इधर वाला भी पुल हो जाएगा. समझ गए मेरी बात? तो वो वाला रीजन जो फंक्शनल है, यानी फंक्शनल पार्ट ऑफ द मायोफिब्रिल, दैट इज नोन एज सार्कोमेयर. द फंक्शनल रीजन ऑफ द myofibril or the muscle fiber, even we can say the functional part of the muscle fiber, yahan the functional part of the myofibril, functional matlab
जिसने एक्चुअली कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन देनी है, दूसरे तो उसकी तरफ पुल या मतलब स्ट्रेच या हो जाएंगे या फिर रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो वो वाला रीजन दैट इज कॉल्ड एज अ सार्कोमेयर. नाउ हाउ दिस स्ट्रक्चर ऑफ द सार्कोमेयर लुक्स लाइक, वी विल बी डिस्क्राइबिंग इट टुमारो. देन टुमारो विल बी डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सार्कोमेयर एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद इट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. ठीक है जी, एनी डाउट इन दिस एनीबडी? हाँ जी, एनी वन सिटिंग ऑनलाइन हैविंग एनी क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ, सार्कोमेयर उसका फंक्शनल यूनिट पूरा का पूरा एक देखो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं देगा, वो सिर्फ बीच में से कंट्रैक्शन आएंगे. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक